Dear students, in this video we'll do question answer and important notes of chapter 2. We are not afraid to die if we can all be together by Gordon Cook and Alan East of class 11th. सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम की सेंटेंस से लर्न करेंगे चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम. गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने कहा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. तो इस प्रकार आप इसको याद कीजिएगा. इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं, नरेटर है, नरेटर की वाइफ मैरी और उसकी डॉटर सुजैन जो कि 7 साल की हैं, उसका बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का है, और दो इसमें क्रू मेंबर हैं, अमेरिकन क्रू लैरी विजिल एंड स्विस क्रू हर्ब सेगर. ये इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. नाउ वेव वॉकर बेटा उस बोट का नाम है जिसके माध्यम से ये ट्रैवल करते हैं अराउंड द वर्ल्ड. और ये जो बोट है ये 30 टन हैवी है, और इसी बोट को इन्होंने कहा है वुडन हर्ड ब्यूटी. ये थोड़े नोट्स बनाए बेटा आपके लिए. होनिंग सी फेयरिंग स्किल, इट मीन्स दैट ऑथर एंड इज फैमिली वेयर एक्सपोर्टिंग देम टू ट्रैवल वॉयज. दे वॉन्ट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड थ्रू सी रूट. तो ये जो ऑथर की फैमिली है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है समुद्री यात्रा के लिए. द फर्स्ट लेग का मतलब पहला चरण, किसी भी काम का जो पहला चरण होता है उसको हम फर्स्ट लेग या फर्स्ट फेज कहते हैं. गेल्स का मतलब तूफान, अलार्मिंग का मतलब डरावना फ्राइटनिंग, एंड एट्रोसियस मतलब खराब मौसम, डॉन मीन्स मॉर्निंग, जिंजैटिक मतलब विशालकाय, और डॉन का मतलब कपड़े पहनना. सो यहाँ पे ओमिनियस साइलेंस का मतलब है साइलेंस सराउंडेड द नरेटर्स फैमिली विच वॉज इन द वेव वॉकर इन द सी. द साइलेंस वॉज इल ओमेंड. ओमिनियस का मतलब ये जो अशुभ शांति नरेटर उसके परिवार को घेरे हुए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे ओमिनियस साइलेंस वर्ड यूज़ किया है. अशुभ है ये, पीड़ादायक है ये शांति. इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा विशालकाय, ट्रमेंडस मतलब भयानक, पॉप आउट मतलब एकदम से बाहर निकलना, टॉस मतलब उछालना, और पानी की लहरें जब इंसान को उछालेंगे तो हम टॉस कहेंगे, अबैंडन त्यागना, स्मैश्ड चूर चूर होना, किसी चीज़ का चूर चूर होना टूटना तो हम स्मैश यूज़ करेंगे, ड्रैग ऑन बोरिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग, कोई ऐसी चीज़ जो बोरिंग भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है. मिड डे कॉल्स, कम्युनिकेशन बिटवीन क्रू एंड ऑफिसर ऑन लैंड. मिड डे कॉल्स यहाँ पे जो वार्तालाप है जहाज़ में जो लोग हैं उनके बीच में, और जो ज़मीन में ऑफिस है उसके बीच में जो लोग हैं उनके बीच में जो वार्तालाप है उसके लिए हमने मिड डे कॉल्स वर्ड यूज़ किया. पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशंस, ये जो आइलैंड्स हैं एम्स्टरडम में, इनको ऐसे कहा है कि जिस प्रकार एक छोटी सी पिन की नोक होती है उसी प्रकार ये आइलैंड इतने समुद्र में लग रहे हैं, इतने बड़े समुद्र में इतने छोटे लग रहे हैं जिस प्रकार की एक पिन की नोक होती है. रेस्पाइट होता है थोड़ी देर के लिए आराम, मुसीबत के बाद थोड़े देर के लिए आराम. एश्योर मतलब किसी को आश्वासन देना. कैरिकेचर मतलब ऐसी ड्राइंग जो हम फनी पिक्चर्स बनाते हैं, कार्टून्स बनाते हैं वो. कन्विक्शन मतलब यकीन. टाउसल्ड हेल मतलब डर्टी हेड, गंदा हेड. देन कोस्ट मतलब एक साथ कहना. एनकर्ड मतलब किसी चीज़ से बांधना. एंड ऑप्टिमिस्टिक मतलब फुल ऑफ पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति, आशावादी सोच वाला व्यक्ति. सो स्टूडेंट्स, हम थोड़े से टैक्सुअल क्वेश्चन आंसर करते हैं. हमें ऐसे स्टेप्स बताने हैं जो कैप्टन ने उठाए हैं अपने जहाज को ख़राब मौसम से बचाने के लिए. जब मौसम ख़राब हो गया तो कैप्टन ने सबसे पहले क्या किया, बोट का जो स्टॉर्म जिब है उसको नीचे की तरफ किया और स्पीड को घटाया. स्लो डाउन द बोट बाय ड्रॉपिंग स्टॉर्म जिब, JIB. लैश द हैवी मूरिंग रोप अक्रॉस द स्टर, और उसके बाद उसने हैवी मूरिंग रोप से स्टर्न को भी मेंटेन किया, काबू किया. स्ट्रेस कैनवस एंड सिक्योर्ड वाटरप्रूफ हैश ओवर गेपिंग होल्स, और जो छेद हो गए थे वेव वॉकर में उनको बंद करने के लिए उसने कैनवस बिछाया, तिरपाल बिछाया. टू चेक आउट फ्लडिंग वाटर इन द शिप, जहाज में पानी को रोकने के लिए उसने क्या किया, टू स्टॉप फ्लडिंग वाटर इन द शिप द कैप्टन पुट वाटरप्रूफ हैच ओवर द गेपिंग होल्स, और उसने त्रिपाल यूज़ किया है जो बड़े बड़े छेद हो गए थे वेव वॉकर में उनके ऊपर. यूज़ इलेक्ट्रिक पंप टू ड्रेन आउट वाटर, और जो पानी इकट्ठा हो गया था वेव वॉकर जो बोट का नाम है उसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक पंप की मदद से उसने ये पानी बाहर निकाला.
आफ्टर 36 आवर्स कंटिन्यूस पंपिंग फॉर सेंटीमीटर्स वाटर वॉज लेफ्ट। और जब उन्होंने 36 आवर्स तक लगातार पानी बाहर निकाला वेव वॉकर्स तक, तब थोड़ा सा पानी ही वेव वॉकर में शेष रह गया। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है। हमें ये डिस्क्राइब करना है कि 4 और 5 जनवरी को ये जो वेव वॉकर में ये सभी लोग थे, नरेटर्स की फैमिली, इन लोगों की कंडीशन क्या था, इनकी स्थिति क्या थी। वॉयेजर्स होता है यात्री, ये जो यात्री थे ये काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे पानी बाहर निकाल के। उसके बाद इन्होंने जो खाना खाया वो 2 दिन के बाद खाया, 4 जनवरी को, और थोड़े से आराम के बाद इनको बड़ा ख़राब मौसम को झेलना पड़ा। और जो नरेटर था वो अपने बच्चों को दिलासा दे रहा था, और उसके बच्चे भी बहुत ज़्यादा बहादुर थे, और उसके बच्चों ने कहा कि अगर हम एक साथ हैं पापा तो हमें मरने से डर नहीं लगता। बच्चों की इस बात ने नरेटर को बहुत इंस्पायर किया और उसने अपने बचाव का जो कार्य है वो और तेज़ रफ्तार से वो करने लगा। रेस्क्यू होता है बचाव के कार्य, रेस्क्यू मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन आपने सुना होगा, बचाव के जो साधन होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज ऑप्टिमिज्म हेल्प टू एंड्योर डायरेस्ट स्ट्रेस। अगर हम लोग बहुत स्ट्रेस्ड में हैं, परेशान में हैं, तो आशावादी होना हमें कितने हद तक फ़ायदेमंद होता है। ऑप्टिमिज्म मीन्स करेज टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़। ऑप्टिमिज्म क्या होता है, डिफ़िकल्टीज़ को हराना, बहादुरी से डिफ़िकल्टीज़ को हराना ही ऑप्टिमिज्म है। इस कहानी में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हमें स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, करेज देखने को मिल रहा है। नरेटर का जो एंड्योरेंस है, एंड्योरेंस होता है मुसीबतों को झेलने की जो क्षमता होती है उसको एंड्योरेंस कहते हैं। तो नरेटर का जो एंड्योरेंस है, उसकी जो संघर्ष की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज वो करता है जब वो सुनता है उसका बेटे से ऐसी बातें सुनता है कि अगर हम साथ में हैं तो मुझे मरने से डर नहीं लगता। तो नरेटर की बेटे की ये बातें उसको उत्साह से भर देती हैं। और इसके साथ साथ उसकी बेटी ने ऐसे कैरिकेचर बनाए, ऐसे ड्राइंग बनाई जिससे नरेटर आशावाद से भर गया, और वो उसके अंदर टेनासिटी आ गई। टेनासिटी होता है डिटर्मिनेशन, उसके अंदर दृढ़ निश्चय आ गया कि अब वो और ज़्यादा मेहनत करेगा और अपने परिवार को इस मुसीबत से बचाएगा। उसने लैरी को गाइड किया कि उसको जो जहाज़ है उसका डायरेक्शन 185 डिग्री की तरफ मोड़ना चाहिए, और उसके बाद 5 बजे तक वो लोग किसी सुरक्षित आइलैंड में पहुँच जाएंगे। हकीकत में जो ये नरेटर था उसको उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी सबका आश बांधने के लिए उसने ऐसा कहा, और हकीकत में किस्मत ने उनका साथ दिया। और वो थोड़े ही समय बाद फिर वो लोग एक आइलैंड में थे जिसका नाम था एम्स्टर्डम आइलैंड। सो ये कहानी जो है बेटा, ये संघर्ष का प्रतीक है, ये आशावाद का प्रतीक है, ये इसका प्रतीक है कि अगर हमारे अंदर पेशेंस है, एंड्योरेंस है, और हम लगातार प्रयास करते रहते हैं तो हमें सफलता मिलती है। सो स्टूडेंट्स, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। थैंक यू।